हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। मेरा नाम जतिन है। मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था बिलीव्स के ऊपर और वो बहुत ही लंबा वीडियो हो गया था और मैं जानता हूँ काफ़ी सारे लोगों को क्विक आंसर चाहिए, तो ये रहा आपका क्विक आंसर्स। पहली बात तो ये जानना ज़रूरी है कि जो आपकी लाइफ में नहीं आ रहा वो है सब कुछ बिलीफ के कारण। अगर आपकी बिलीफ ये है कि आप अनवर्दी हो, आप ये चीज़ डिज़र्व नहीं करते, या आप अच्छी लाइफ डिज़र्व नहीं करते, या आप इतने स्मार्ट नहीं हो, या आप इतने टैलेंटेड नहीं हो, या आप बचपन से ही ऐसे पैदा हुए हो, आप मोटे पैदा हुए, आप पतले कभी नहीं हो सकते, ये सब कुछ गलत है, सब बिलीफ्स है। आपको अपनी डेस्टिनी खुद चेंज करनी होगी और वो शुरुआत चालू होती है बिलीफ्स से। तो बिलीफ्स के बारे में बात करते हैं। मैंने जैसे बताया पॉजिटिव होती है, नेगेटिव बिलीफ्स होती है। अब इनको चेंज कैसे करना है? इनको चेंज ऐसे करना है कि आप एग्जामिन करोगे कि आप कौन सी चीजों से दूर जाते हो और कौन सी चीजों के करीब आते हो। देखिए, हर एक इंसान में एक मोटिवेशनल मैकेनिज्म होता है। वो उन चीजों के पास ज्यादा जाता है जो उसको लगता है उसके लिए अच्छी है, और उन चीजों से दूर भागता है जो उसको लगता है उसके लिए खराब है। लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो उसको लगता है, व्हाट यू फील मैटर्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जॉब प्रमोशन मिलेगी पर उस प्रमोशन की जो कंडीशन है एक चीज पे डिपेंड होती है कि आप अपने मैनेजर्स के सामने, अपने बॉसेस के सामने एक अच्छी सी लेक्चर दो या पब्लिक स्पीकिंग करो, तो चाहे आपके लिए वो जॉब अच्छी हो, वो प्रमोशन अच्छा हो, पर पब्लिक स्पीकिंग के नाम पर आप पीछे दूर भागोगे उससे, तो आप क्या कर रहे हो? आपका मोटिवेशन ये है कि आप रादर आप वो प्रमोशन नहीं लो, इससे अच्छा आपको आपको स्पीच नहीं देनी पड़े, तो आप वो स्पीच देने से दूर भाग रहे हो। तो वो आपकी बिलीफ है और वो बिलीफ किसी भी कारण हो सकती है। इस कारण हो सकती है कि आपको लगे कि आप अच्छे इफेक्टिव स्पीकर नहीं हो, इस कारण हो सकती है कि आप अच्छे दिखते नहीं हो, इस कारण हो सकती है कि आपको लगता है कि आप बहुत मोटे हो या बहुत स्किनी हो या वो हो। कई बार आपने देखा होगा जिम में जब लोग जाते हैं, वो अगर बहुत पतले होते हैं तो वो लॉन्ग स्लीव टी शर्ट पहनते हैं, तो वो एक आइडिया पता चलता है एक इंसान के बारे में कि वो अपनी खुद की चीजों के लिए अनकॉन्शियस है। और वो हर पर्सन में होती है, हर एक पर्सन में अनकॉन्शियस चीजें होती हैं। वो अपनी इनसिक्योरिटीज को एकदम संभाल के रखता है और उसके कारण वो स्टेप्स नहीं उठाता। पर वो जो इनसिक्योरिटीज है वो आपके माइंड में ज्यादा है, दूसरे इतना सोचते नहीं है। तो देखिए, मैंने जैसे बताया कि लोग उनके पास उस चीजों के पास ज्यादा जाते हैं जो उनको लगता है उनके लिए अच्छी है। तो एक क्वेश्चन आपको अपने ऊपर पूछना चाहिए कि इफ यू सी यू आर नॉट गोइंग फॉर द प्रेफर्ड एक्शन, अगर आपको लग रहा है कि आप जो चीजें के लिए जाना चाहिए आप उसके लिए नहीं जा रहे, तो अपने आप से पूछिए कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी बिलीफ है जिसके कारण मैं उस चीज के लिए नहीं जा रहा। अपने एक सबकॉन्शियस माइंड से एक चीज पूछिए कि यू वुड रैदर फेल इन मैथ्स देन गोइंग फॉर ट्यूशन। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था उस वीडियो में, पर आप इस वाले एग्जाम्पल पे आप इसको अप्लाई कीजिए। तो आप इससे अच्छा है कि आपको प्रमोशन नहीं मिले, वो ज्यादा अच्छा है, पर आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं हो कर पाओगे या स्पीच नहीं दे पाओगे। तो एक तरीके से आपको डीप जाना है, पूछना है अपने आप से, मैं ऐसा क्यों सोचता हूं कि मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, कि मैं जिम ढंग से नहीं जा सकता, कि मैं इस लड़की से जाके आगे जाके बात क्यों नहीं कर सकता, कि मैं वो एग्जाम जाके क्यों नहीं दे सकता, क्या है उसमें, ऐसे क्या बड़ी बात है, और उसमें नहीं, क्या मेरे में कमी लग रही है? मुझे लग रही है कमी है नहीं आपके में, आपको अपने अंदर कौन सी कमी लग रही है। नेक्स्ट, उसके बाद आप ये इक्वेशन पूछोगे अपने आप से, ये पूछोगे कि ये नेगेटिव बिलीफ मुझे कैसे हेल्प कर रही है, कि ये जो नेगेटिव बिलीफ है मुझे कैसे प्रोटेक्ट कर रही है, कैसे मेरे अराउंड एक शेल क्रिएट कर रही है। दूसरा क्वेश्चन पूछोगे, अभी मुझे मेरे बारे में कौन सी चीज पे पूरा यकीन है जिसके कारण मैं ऐसा फील थिंक और एक्ट कर रहा हूं, अभी मुझे मेरे बारे में कौन सी चीज पे पूरा यकीन है जिसके कारण मैं ऐसा फील थिंक और एक्ट कर रहा हूं। जैसे मान लो अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप खर्च नहीं करना चाहते और आपको लगता है आपकी लाइफ में पैसे नहीं आने वाले, तो कोई भी बड़ी वेकेशन ट्रिप नहीं जाओगे आप, तो अपने आप से पूछिए कि मैं अभी अपने आप के बारे में ऐसा कौन सा फील, क्या चीज फील कर रहा हूं जिसके कारण मैं ऐसा एक्शन या ऐसी थॉट्स आ रही है मेरे दिमाग में।
तो आपका आंसर हो सकता है कि मुझे लगता है मेरी लाइफ में पैसा नहीं है, मुझे लगता है मेरी लाइफ में पैसा कभी आने वाला नहीं है, मुझे लगता है मैं हमेशा ऐसा ही पैदा हुआ हूं, मुझे लगता है मैं पेरेंट्स की तकदीरों के साथ ऐसा पैदा हुआ हूं, मुझे लगता है मेरे पास्ट लाइफ कर्मा मेरे को ऐसा कर रहा है, मुझे लगता है कि लाइफ में बहुत पैसा कम है, जो लोगों को बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, मुझे लगता है कि मैं कभी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता कि मेरे पास बिजनेस माइंड नहीं है, मुझे लगता है कि मेरे नेबर ने सारा पैसा हड़प लिया है और मेरे लिए पैसे नहीं छोड़े, जेफ बेजोस और माइक्रोसॉफ्ट के ओनर बिल गेट्स ने सारा पैसा हड़प लिया और लोगों के लिए बिल्कुल छोड़ा नहीं है। ये सब कुछ बिलीफ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अबंडेंस प्रिंसिपल बेस्ड है। जितना पैसा है उस दुनिया में उतना पैसा क्रिएट होता रहता है। जितनी आपकी थॉट्स है, अभी आप सोच रहे हो कि अगर आप 10 करोड़ मानते हो आपकी लाइफ में आए और ये थॉट डालते हो अभी, तो वो 10 करोड़ आर्टिफिशियली अभी क्रिएट हो चुके हैं वाइब्रेशन में, पर आपको अपना दरवाजा खोलना है। वो नहीं खोल रहा क्योंकि आपकी बिलीफ्स आपको रोक रही है, वो आपको एक सीलिंग बना दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपने आप से ये वापस पूछना है कि व्हाट वुड बी द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम। अच्छा चलो मान लो मैंने वो पब्लिक स्पीकिंग दे भी दी और बहुत ही गंदी दी, उसका नेगेटिव रिजल्ट क्या होगा? बुरे से बुरा मुझे कंपनी से निकाल देंगे, पर मेरी लाइफ तो नहीं जाएगी, पर उसकी जो प्लस साइड है वो भी तो देखो, मेरे को एक प्रमोशन मिलेगा, मेरी सैलरी इतनी बढ़ जाएगी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं उस लड़की से जाके बात भी करता हूं तो वो मेरे को मना कर देगी या चाटा मार देगी ज्यादा से ज्यादा, पर कम से कम वो मेरी लाइफ में होगी, वो चांस तो है, परसेंटेज। तो लुक एट द पॉजिटिव साइड कि आपको क्या गेन मिल सकता है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना है, व्हाट बिलीव्स आई हैव ब्रोकन इन द पास्ट। अब ये जो है ये क्वेश्चन गेम चेंजर होगा, क्योंकि कुछ कभी कभी हमारी ये बिलीफ होती है कि मैं जानता हूं मेरी ये बिलीफ है, मैं जानता हूं मेरी लाइफ में मेरे को लगता है पैसा मेरे पास नहीं आने वाला, और मैं जानता हूं ये नेगेटिव बिलीफ है, अब मैं इसको कैसे चेंज करूं। तो अब अपने आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि पहले मैं कौन सी बिलीफ चेंज कर चुका हूं। मैंने अपने पूरे वीडियो में मैंने ये बताया था कि मान लो अगर आपको स्विमिंग नहीं आती और आप स्विमिंग करने सीखते हो, ट्रेनिंग के लिए जाते हो और फिर उसके बाद आप स्विमिंग करोगे, जब डीप वाटर में जाओगे आपका बिल्कुल विश्वास होने लग जाएगा अपनी पूरी बॉडी पे कि यार मैं एक्चुअली स्विम कर सकता हूं, वो बिलीफ टूट जाती है। ऐसे करके आपने आपसे क्वेश्चन पूछिए कि आपने अपनी लाइफ में कौन सी बिलीफ तोड़ी है, और अगर तोड़ी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन सी बिलीफ आपके लाइफ में थी जो आपने चेंज की है। अपनी जो विल पावर है उसको यूज करके आपने बिल्कुल उसको तोड़ के मरोड़ के अपनी लाइफ को खुद की डेस्टिनी बनाई है। लिखिए प्लीज कमेंट बॉक्स में। और उसके बाद जब आपको पता चल जाए कि ये आपकी बिलीफ है, ये नेगेटिव बिलीफ आपकी लाइफ में, और जब आपको बिल्कुल हंसी आने लग जाए उस पर कि यार साला मैं इस चीज पर विश्वास करता था, ये फालतू चीज, इसके कारण मेरी लाइफ में पैसा नहीं आ रहा, इसके कारण मेरे को जॉब नहीं मिल रही, इसके कारण मुझे ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, इस बेकार चीज के कारण, इस बेकार थॉट के कारण जो मेरे को सदियों पहले मेरे पेरेंट्स ने या मेरी टीचर्स ने मेरे दिमाग में डाला था, खैर उसको माफ करो, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को ये बिलीफ दी, तब मेरे लिए हेल्पफुल थी वो बिलीफ, अब मेरे लिए हेल्पफुल नहीं है, अब मैं आपको रिलीज करता हूं और अब मेरी लाइफ में अबंडेंस आएगा, अब मेरी लाइफ में जो चीजें मेरे को जो चाहिए वो सब कुछ आएंगी। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चंस हो प्लीज पूछिए। थैंक्स।